सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये दूसरे स्वारोचिस मन्वंतर की बात हुई। इसमें इंद्र का नाम रोचन था, प्रधान देवगण तुषित आदि थे, ऊर्जस्तंभ आदि वेदवादी सप्तर्षि थे, और उस मन्वंतर में वेदसरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता, उनके गर्भ से भगवान ने अवतार लिया और भगवान का नाम हुआ विभु। ये दूसरे मन्वंतर में भगवान का अवतार विभु अवतार हुआ। बोलो विभु भगवान की जय। विभु नाम से भगवान प्रकट हुए और इन विभु भगवान ने ये आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहे, और इन्हीं के आचरण से शिक्षा प्राप्त करके 88,000 सौनकाज ऋषियों ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। महर्षि शुनक के पुत्र शौनक हुए और शौनक जी ने प्रेरणा प्राप्त की भगवान विभु के आचरण से, और उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, और उनके साथ 88,000 ऋषि कुमारों ने भी आजीवन ब्रह्मचारी रहकर भगवत भजन का निश्चय किया। उन 88,000 ऋषियों के सहित श्री शौनक जी ने श्री नैमिषारण्य महातीर्थ को अपनी तपस्थली बनाया, अपनी साधना स्थली बनाया। तीसरे मनु उत्तम थे, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, अग्निहोत्र। उस मन्वंतर में उत्तम नाम के मन्वंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र ही सप्तर्षि थे। सत्य, वेदश्रुत, भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे, और इंद्र का नाम उस मन्वंतर में सत्यजित था। उस समय भगवान ने धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से सत्यसेन नाम से भगवान ने अवतार ग्रहण किया। बोलो सत्यसेन भगवान की जय। उस समय जो देवताओं का गण था, उसका उस देवताओं के गण का नाम सत्यव्रत हुआ, सत्यव्रत देवताओं का गण हुआ। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा बन करके भगवान से, भगवान ने असत्य परायण दुशील दुष्ट यक्ष राक्षस और जीवद्रोही भूत गणों का भगवान ने संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस, वो तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके प्रथु, ख्याति, नर, केतु आदि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। उस कल्प में, उस मन्वंतर में, तामस मन्वंतर में इंद्र का नाम त्रिशिक था। उस मन्वंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि थे, और तामस मन्वंतर में विधृति के पुत्र वैधृति नाम के देवता भी हुए, और समय के फेर से नष्टप्राय वेदों को उन्होंने अपनी शक्ति से बचा लिया था, इसलिए उनका नाम वैधृति हुआ। इसी तामस मन्वंतर में, चौथे मन्वंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया। किस रूप में अवतार ग्रहण किया? भगवान ने श्री हरि रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलो श्री हरि भगवान की जय।